जगत में जिसका जगत पिता रखवारा, उसे मारने वाला हमने कोई नहीं निहारा। एक बहेलिया घर अपने से ले तीर कमान चला भाई, और चिड़ियन के बध करने को एक जंगल में पहुंचा जाई। एक वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों को देखा भाई, थी एक बिचारी कबूतरी और एक कबूतर था भाई। आनंद में बैठे थे दोनों, थी किसी बात की परवाह ना, शिकारी वे दर्दी अपने मन वेदा हरसाना। जब तीरन काला तरक से दे ध्यान जरा सुनते दाना, जाले मने देर करी नजरा धर सिर सरा शर्फे ताना। भगवान जिसकी रक्षा करता उससे कोई मारने वाला नहीं। एक बहेलिया जब जंगल में शिकार की तलाश में पहुंचा तो एक बरगद के पेड़ के ऊपर कबूतर और कबूतरी दोनों दोपहर में विश्राम कर रहे थे। बहेलिया ने जो इनको देखा फौरन तरकस से तीर निकाला, निशाना बांध के खड़ा हो गया। इन दुखियन को पता नहीं इन दोनों के नेत्र बंद थे, भगवान के ध्यान में दोनों मगन थे। इधर क्या हुआ अब और सुनो सज्जन यांग, एक ऐसी विचित्र हर की माया। नीचे थारो जूती रतानी ऊपर और एक गजब छाया। एक बाज भयंकर को देखो वो आसमान में मडराया, तो तरफा नजर घुमा दे वो करने को अपना मन भाया। जब उसी पेड़ पे नजर पड़ी तो बाज प्रसन्न हुआ भारी, चक्कर काट रहे हो यो पक्षी बाज बलंकारी। दोनों पक्षियों को देख लिया भाई दिल से दूर फिकर सारी, कोई घड़ी मिले अब तो भैया झप्पा मारन की तैयारी। नीचे तो बहेलिया ऊपर एक शिकारी बाज, उस बाद ने भी पक्षियों को देख लिया तो बाद सोचने लगा कि एक ही झपटा में एक एक पंजा में कबूतर कबूतरी को दबा ले। इधर शिकारी तीर ताने खड़ा है, कबूतरी की जो आंख खुली है और उसने जो अपने पिया को देखा तो कबूतरी कहा बोली, सयान के अखियां खोलो। आज कहने लगी सयान के अखियां खोलो, तेरे काल शीश पे डोलो। सयान के और का बोली कबूतरी, किनके रोके रुकाए सबेरा रात भर का। आंखें खोलो, क्यों? दो कबूतर ने आंखें खोली, कबूतरी ने इशारा किया नीचे देखो ऊपर देखो। ये देख कबूतर कबूतरी दोनों का धीरा।
छूट गया। कहती है नर से मादा यूं हे बलम विधाता रूठ गया। राठौर तो जाई पेड़ पे अब दोनों का भंडा फूट गया। कबूतरी कहने लगी पिया बेपीर शिकारी है सैया धरती पे ताने तीर खड़ा। अंबर में चक्कर काट रहा वो शत्रु बाज बेपीर बड़ा। बचे हम तुम दोनों बतनाए सैया बहुत बड़ा। कहे कबूतर हाँ हाँ प्यारी कहना सत्य तुम्हारा रे दुनिया में जिसका जगत पिता रखवारा। दुनिया में जिसका जगत पिता रखवारा उसे मारने वाला हमने बंदियों क्या हुआ। कबूतर कबूतरी दोनों परेशान हो गए। कबूतरी कहने लगी पिया प्राण तो जाएंगे इसलिए ऐसा करो भगवान को ही भजन करो और ये तो याद रहे। भगवान को ध्यान करने लगे जब दोनों तो बाकी लीला जानते हो। बिन पग सोले सुने बिन काना बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कदम रखा है। दोनों ने मन में समझ लिया सिरकाल हमारे आछाया। लेकिन ईश्वर की माया का यह पार किसी ने नहीं पाया। विकराल महाकाल जहरी एक सांप कहीं से धर धाया। गौला गौ मारी लपेटा पैरों में भेपी रसकारी डस खाया। उठाए तने में हुआ अब क्या देखो। चल गया तीर तिरछा उठकाए और बाद में जाए लगा देखो। वो उधर मरा ये इधर मरा दोनों से फंद कटा देखो। बच गए कबूतर कबूतरी परमेश्वर की महिमा देखो। आप लोग सोच रहे हो पराई औरतन की बुराई करवे में तो तुम्हें कछु ना लगत, लेकिन औरत तो तुम्हारे घर में है। लोग अब हम आओ जो हिसाब है सो बता दें। हम आओ हिसाब कैसे हमें औरत कैसी मिली। सुन लो हमारी पत्नी का नाम है मीरा और 2 फरवरी को शादी करने के बाद होली पर हम उनको लेवा गए ससुराल और साथ ही लेवा लाए। ऐसा हुआ रात थी आधी और मैं उस समय एक उपन्यास लिख रहा था साजन हुए पराए। ये उपन्यास आपने पढ़ा हो ये मेरा लिखा हुआ है। उपन्यास में पढ़ रहा था और लिख भी रहा था और तौलों जो दूध लेके आई। अब समझ लीजो कि हमारी पत्नी कैसी है। सो भैया दूध तो हमने पी लो लेकिन लड़ाई होने लगी। कैसी लड़ाई भाई। आज तुम्हें एक बात बतावे सुनो ध्यान दे के भाई
एक रात मीरा और हम में होने लगी लड़ाई। कैसी लड़ाई भाई? हमने कही के कैसी बिगड़ी आदु दे सकी नारी। काम काज में मन न लगे शौकीन बनी बड़ी भारी। जब उनने ये कहा कि हमारी घड़ी बिगड़ गई है, सवेरे मेरी घड़ी बनवा दीजो, सो हमें जिद आ गई। हमने कहा मेरे देश की औरतें बहुत बिगड़ गई हैं, काम काज कुछ नहीं करती, शौकीन बनी फिरती। तो मीरा बोली आद गई है बुद्ध नरों की मारी। काम चाहे कछु भी न करे शौकीन बहुन प्यारी। इतनी सुन के तब हमने मीरा को गिरा सुनाई। एक रात मीरा और हमें होने लगी। हमने कहा हमारे देश की औरतें बिगड़ गई हैं, सिर्फ शौकीन बनी फिरती, चाहे पड़ी हो चाहे बिना पड़ी हो, घड़ी जो चमचमाती फिरें। मीरा एकदम कमर पे हाथ रख करके बोली, ये निकसूदे बातें करो, आज के जवानी इतने गंदे हो गए, चाहे कछु काम न करें शौकीन बहुटिया मिले। हमने की बिच्चू हारे जाए रे। हमने कही, और क्यों तू बकबक करे, आज की नार भाई बड़ी खोटी, और फूंक लगे उड़ जाए बनावे इतनी पतली रोटी। हमारी अम्मा मोटी मोटी रोटी करो करती थी, और जब नकटी ऐसी रोटी करते फूंक तोड़ी आए। अब मीरा बोली आज कल है बुद्ध तुम्हारी छोटी, पतली साड़ी पतली जम्फर रोटी फिर क्यों मोटी। हमने कही इतनी पतली रोटी बनाती हो, तो एकदम मीरा कहने लगी, जब पतली साड़ी पतली जम्फर पेटी को तो पतलो सब पतलो ही पतलो, तो रोटी का मोटी। हमने कही भी तुम्हारे जा रहे। हमने कही क्या करूं इन औरतों से न पेश कछ जावे, और मोटी साड़ी देख के एकदम चेहरा सुस्त बनावे। हम तो मोटी साड़ी ले आए, मुंह फुले लेती। अब मीरा बोली बाबा औरत का एक गम खावे, अपने लहे तो सैया जब फाइन की धोतिया लावे। जाए पहन के बार बार जांघन को दे तू दिखाई। एक रात मीरा और हमें होने लगी। हमने की मोटी साड़ी ले आ तो चेहरा सुस्त बनाती है। मीरा कान लगी तो औरत का पिछेला रहे, जब फाइन की धोतिया ला जो जांघन को बाल बाल देख लो तो औरत क्यों पतली पहने। हमने की बिच्चू हारे जा रहे। अब अम्मा आए कि दरवाजे पे ठाड़ी हो गई। हमने कही अम्मा आए चाहे दद्दा आए, फैसला तो पूरा ही करी। हमने कही क्या करूं इन औरतों से न पेश कुछ जावे, और सास ससुर देवर जेठन को गाली नार सुनावे। कितनी नालायक औरतें, सास ससुर देवर जेठन को गाली देती। अब मीरा बोली प्यार में पहले सैया मूड चढ़ावे। मीरा बोली प्यार में पहले सदना मूड चढ़ावे, और पहले पागल बने पिछाड़ी खड़ो खड़ो थर्रावे। नरके सब अपराध लोग औरत की करें बुराई। एक रात मीरा और हमें होने लगी। जम्मो तोड़ जवाब अरे अपनी बात न को पाओ, और चुपका हो गए बैठ के भैया दिल मेरो शरमाओ। इन नारिन के ऊपर तुमने बिरथा दोष लगाओ, देश के अंदर सब लोगन की अकल ने चक्कर खाओ। आधार चैतन्य को समरा के ने सत्य करी कविताई। आधार चैतन्य को शर्मा के ने सत्य करी कविताई। एक रात मीरा और हमें होने लगी। एक रात मीरा और हमें होने लगी। एक गांव के छह जने भोले और घनश्याम, बुद्धू गोविंद राम फलू और ते राजा राम। एक गांव के छह आदमी थे, भोले घनश्याम बुद्धू गोविंद राम फल और राजा राम। सीधे साधे मित्र थे भैया छेव यार, मिली भागवश नारियां चंचल ढीट गमार। ये छेव आदमी बहुत सीधे स्वभाव के थे, लेकिन इन्हें औरतें गलत मिल गईं। और ये छेव आदमी हैं कहाँ के? ये नंगला दौलत के हैं, जयसिंह लड़का बैठा वहां के। एक गांव के आदमी अभी आप जाकर के देखें तो छह आदमी मौजूद हैं। एक दिन नई मंडी से जब वो लोग चल रहे थे तो हम इधर से मोटरसाइकिल से गुजरे, तो इसके गांव के पास में एक पुलिया है, वो पुलिया पर छह बैठे थे। हमने मोटरसाइकिल रोकी, हमने कहा भैया ऐसा करो हमें प्यास लगी है, तो एक पानी लाया। लेकिन छह के चेहरा सुस्त थे, तो हमने जब पूछी भैया सुस्त कैसे हो, छह कहने लगे आधारो कछु मत पूछो,
घर में भकभका दे भी आई है, चैनो लाइन लेन देती। हमने कहा यार तुम छऊ के घर में ऐसी पत्नियां हैं? हाँ। हमने कहा यार बताओ कैसी कैसी हैं? कान लगे हम ना बताए तुम कहूंगी तो और बनाए लियो। हमने कहा नहीं बनाएंगे बताओ। तो बंधुओं कहने लगे नहीं बने हम नहीं बने। अच्छा नहीं बने तो हम बताए रहे। तो पहले नंबर आएगा भोले को। भोले को हमने पूछी तू बता तेरी पत्नी कैसी, देखो इस चेतावनी से पता लगाना हमारे देश की बेटियां कहां पहुंची। भोले कहे सुनो मेरे भैया बात कही एक मन की, और फुअर मो को मिल गई औरत खबर ना बैसन की। कच्चे रोट ऊपर आ जैसे मोटे पतरे डारे, ओ टपकत जावे लार पटा पे पकड़ डींगरा मारे। और सुनो भैया आ दो नमक साग में डारे कऊद न धरे अलोनो, और मेले बासन से दाल के छे छे दिन नहीं धोनो। और सुनो भैया माफ करना जब ये चेतावनी बनाई। कैसे होए गुजारो भैया जाल बुरो है जी को, आधार चेतन कहे सिनार से हम सोई क्वारो नी को, आधार चेतन कहे सिनार से हम सोई क्वारो नी को। जब हमारी शादी नहीं हुई थी जब ये चेतावनी बनाई थी तो वो कहन लगो भैया मोए तो फुगरिया स्त्री मिली है, आधो नमक साग में डाले कऊ दिन आलोनो धर दिए, और कऊ दिन रोटी करिए तो नांद कैसो टूकू, कऊ दिन कची कऊ दिन पकी ऐसी धरती सामने। और चार ये बजे थे पर रात में जैने पतो के सूजी मुंदे कहे ना मुंदे। भोले ने जो सुनाई तो हमने कही घनश्याम भैया तुम बताओ। घनश्याम कहने लगे हम नहीं बताए, हम आओ तुम गीत जरूर बना लियो। हमने कही नहीं बनाएंगे। अच्छा तुम बताओ। तो घनश्याम बोले सुनो भैया कहे घनश्याम लड़ाकू मेरे पल्ले परी लुगाई, ओ हवात बातें करे न माने सब मिल से समझाई, सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, सास ससुर को कछु न समझे बे मतलब सतरावे, दस की बीस सुनावे बरियई चढ़ छाती में। सास ससुर की इज्जत नहीं करती है, रोज मेरे माता पिता को गाली देती है, और अगर हम कह चुका है तो सतर हम पे उगाते भैया हम तो बड़े दुखी हैं। घनश्याम ने जब सुनाई दी तो बुद्धू से कही कि तुम बताओ। बुद्धू बोलने लगे बुद्धू कहे जीव की चट्टो नार मुली मोय भाई, और जब ते घर में आई गई देवी तब ते बड़ी तबाई। भैया कुचा कर कर नाच बेच लो भेदुन हमें बतावे, ओ लड़ुआ पेड़ा और जलेबी सुपका रोज मंगावे, हम तो खावे रूखी सूखी अपनो तो दूध मलाई, खाए खाए के माल मदीदा लाल लाल कर आई। लेकिन एक बात और बताने को, जब घर में ऐसी औरत आ जाए मर्द कितनी मेहनत वाले हो कितनी दौलत कमाते हो लेकिन याद रखना जागर हो चतोरस औरत सो घर बिगड़ो जानो, आधार चेतन कह लगे न बाको तीनों लोग ठिकानो, आधार चेतन कह लगे न बाको तीनों लोग ठिकानो। बुद्धू कान लगे कछु मत पूछो जीव को करो खाते, कोठेला को सवानो खोले के नाच दुकान पे लगाए दो, हमने की करी आनो कौन ने खोलो के मुंह सटन ने, दूध की मलाई ऊपर की सब खाई गई, हमने की कह रही मलाई कहाँ गई कि बिल्ली छन्नी सही ले गई। ऐसी औरत
गोविंद कही कि तुम बता तुम्हें कैसी मिली। गोविंद कहने लगे कछु मत पूछो, जागी तो खाते पिए थे, हमारी को तो खैबे की सोते ना रहा। अरे भैया तो कैसी है? तो गोविंद बोले, गोविंद कहे सुनो मेरे भैया मो नार मिली घर घर लो, और हे जगदीश पढ़े नहीं काऊ ऐसी नार के पल्लो, सुबह तो उसके शाम तलक लो जा घर बा घर डोले, पूछे कहां गई तो दादी बहाने सोले, जालू घर घर बैठन ले बे सोलू चेन न पावे, और झूठी साथी कह के लड़ाई धोर करवावे, पार परोसन सब लड़ी हारी से सन का उपाई, मारे सोठन खाल फूटी आई सरमन जाकू। सवेरे ही ते निकल जे भैया का जिद्दी कितो पीस लो, अपन चकिया को पता उना के झोंकू ना डाल, और हम पूछे कैरी कहाँ गए कहूँ ना लक्ष्मी की अम्मा कछु ली लेकिन सो कछु ली लेने गई कछु बाली बना लेती। अब नंबर आओ राम फल को, हमने की भैया तुम्हें कैसी मिली, कान लगे हम कता ही ना बातें, हमारी तो औरत घर में तो जगह ना ही देते। अरे हमने की तो यार काम करती होगी। तो राम फल कहने लगे कछु मत पूछो। राम फल कहे मिली मैं भैया नखरे बादल उगाई, और देख देख के हालत पंचो हमने से सुगाई, काय कौ दिन पीर को करे बहानो कौ दिन ताप बतावे, और नस नस दे दुखी रही बरी मुंह पे गोड़ दबावे, बेद हकीम दबा कर हारे मरदन पाई ढूंढी, और परे परे पलिया पे आज दई हूं हूं करे भसूड़ी, हारो थको काम कर जब मैं हार खेत से आऊं, और पानी भरनो परे ददा और रोटी दारी पकाऊं, हम चौकामी रोटी कर रहे अपनो खाट पे आवे, पूछा बताई कछु नहीं बरी आई सोरा रोटी, कहो राजा राम तुम्हारो कुछ नंबर है? राजा राम कहने लगे हम नहीं बताए, हमने कहा तुम्हें सच तुम्हें अपने ईमान की कसम हो तुम बताओ कैसी है। तो राजा राम बोले, राजा राम कहे अब की सुन ले आधार आरज हमारी, और है बदमाश दे सकी उतरी यार मेरी घरवाली, काहे यार इतनी बुराई क्यों करे तुम? कहने लगे एक दिन आ गई रूट कहीं मुक लियो सारी, एक दिन आ गई रूट कहीं मुक लियो सारी साया, और कर जकार मुए परे लावने तबन खाना खाया, पेट कोट सारी लेके जदी अब जके तू काम करे हाथ दद्दा काम बंद हो ही आओ, कहा करने लगी एक दिन बार करे सिंगार पहन के तरह तरह के बाना, और रामायण महाभारत छोड़ो गाय रही फिल्मी, हम कहे और कैसे रामायण महाभारत में तो गायलू का सो ना गए बास हनुमान जत हो चौका दी तो एक गीत गाए, यूं ठीक है तो कौआ खा लिए बात है डरा रही हो, हम मैं के चली तब तुम देख रही हो। लेकिन बहना हो याद रहे पहले समय भारत की थी मुल्कन में इज्जत भारी, और जब सीता और अनसुईया थी थी पति वीरता नारी, पहले समय तुम्हारी बहुत इज्जत थी देश के अंदर, पति की सेवा करो सुनो भारत की माता बहना, और अंत समय वैकुंठ को जयो मानो मेरो कहना, अपनो पति चांदर बल हो चाहे हो वे बलहीना, और हसी खेल के बस गुजारो मोहमत करो मदीना, तन मन से दो नार करेगी अपने पति की सेवा, और अंत समय वैकुंठ को जय पाए सुंदर मेवा, अनसुईया नर बता मात तुम सीता सी बन जाइयो, और फिर पागल आधार को दर्शन देके सफल बनइयो, फिर पागल आधार को दर्शन देके सफल बनइयो। एकदम ग्राम बैठ भैया कुत्तन ने मतो बिचारो है, अब जा नंगरा के बीच नाई गुड़गाहक कोई हमारो है, कोई हमारो है, काय का
खान पान सम्मान नाए भोजन को नाए सहारो है। कुत्ते कहने लगे भैया जब नंगर में अब गुजरना है रही है तो एक कुत्ता बोलो एक है हम सभी दुखी है कान रेस के शासन में ओ मान बिना जीवन नहीं जाए गाड़ी दे कंचन में कुत्ता कहने लगा जब कांग्रेसी शासन में हम बड़े दुखी हैं क्योंकि बिना इज्जत के हम नहीं जीना चाहते चाहे हम स्वर्ण में गाड़ दिया जाए। तो एक कुत्ता कहने लगा यार परेशान क्यों हो बड़े बड़े समझदार लोग हैं इस गांव में तो क्या हो क्या वो सरकार बदल देंगे सरकार नहीं बदल देंगे अपने विचार तो बदल लेंगे क्या मतलब। तो दीपा का सुनो बूचा भैया दरखास्त लिखो निज पंचन में ओ श्रीमान सरपंच साहब हम बड़े दुखी दिल शासन में हम लोगन की मान प्रतिष्ठा चल के लखो विदेशन में ईरान और काला पानी जर्मनी तीन का यरमन में हम बिस्कुट चाय जलेबी खावे घूमे बैठे कार में टुकड़न पे कंट्रोल बनी कौ कैसे सबर करे मन में पंचायत होने लगी। पंचों के सामने कुत्तों ने अपना प्रश्न किया कि हम लोगन की विदेश में बड़ी प्रतिष्ठा है हम लोग हवाई जहाजों में और ट्रेनों में बैठ करके कारों में बैठ के घूमते हैं और जलेबी दूध का नाश्ता करते हैं लेकिन हियन क्योंकि घर में घुस जाए तो एक ही लट्ठम द्वारे लो आए आए परे चली जाते ये दशा है हमारी बताओ इस तरह की दुर्गति हमारे क्यों की जा रही है। पंच कहने लगे मूर्खो तुम्हारी बहुत इज्जत होती मगर कमबख्त तो तुम अपनी इज्जत करवाना नहीं जानते। उन्होंने कहा सो क्यों बताओ। तो कहे पंचों कुत्तों से तुम करनी के फल पाते हो और बीच गेल में सोते हो मुंह तक बेटा लौटाते हो ज्यादा तो क्या कहें बेवकूफ हो तुम्हें पेशाब करने की तमीज नहीं तुम लोग टांग उठा के पेशाब करते मानो तुम पाजामे में भिंजो जाते हो और तुम्हारी जात में संगठन नहीं है जात ब्रादरी आए तुम्हारे तुम बापे गुर्राते हो साधु संत की कदर न जानो बाहू को डांट लगाते हो एक एक बात बताएं हम हल जोतन को जाते हैं तुम अपने कान हिलाते हो असगुन करके तुम तो मेरो जियरा भारी डर पाते हो एक बात बताएं तुम लोग पेशाब करने की तमीज नहीं रखते और बीच रास्ता में सोते तुम्हें कोई सोने को जगह नहीं मिलती और तो ज्यादा क्या कहें कोई महात्मा आ जाए तो तुम उसके ऊपर दौड़ते हो तुम्हारी जात में संगठन नहीं है इधर वाला कुत्ता उस मोहल्ले में पहुंचा तो तुम लोग सब इकट्ठे होकर उसे मारना चाहते हो और हम हल जोतवे को जा रहे तुमने कान पहले ही पट्ट पट्ट कर दे तो भैंसा तीन ही पांच चलो आप फारू लगी जाओ बताओ अब तुम्हारी इज्जत हम कैसे करें। पंचों की बात सुन के कुत्ते कहने लगे शायद तुम्हारी समझ में फर्क है क्यों कि जो महात्माओं पे हम गुर्राते हैं तो महात्माओं के अंदर कमी है क्या घर छोड़ दो परिवार तजो फिर जा कुड़ा बली में क्यों आते हैं और अगर घूमना बाबा जी को तीर्थ क्यों नहीं जाते हैं जब कुड़ा जी के नीम सारे के हरिद्वार है जो रंगे भाई गले गले घूमे रहे कदुत्ता कहते हैं और क्या कहते हैं बताओ। और तुमने जो ये कही है कि तुम पेशाब करते हो टांग उठा के वहां में कारण है क्या ये धरती मैया है सबकी ये धरती मैया है सबकी जापे कैसे पेशाब करूं मेरे होते पंख तो उड़ जाते नभ में मल मुस्तक साफ करूं पाते
करते हैं, उस घड़ी रोकते हैं तुमको और अपने कान हिलाते हैं। अगर तुमने कहा कि तुम बीच रास्ते में सोते हो तो उसमें कारण है। हम बीत गैल में सोते हैं और अच्छा बुरा बताते हैं। आधार बुरा यदि नजर पड़े हम बाई पे भुड़क जमाते हैं। का जिक्र सुनो बेईमानी का इल्जाम सरे, ओ बड़ा मुकदमी करता था छोटो भैया घर काम करे। दो भाई बड़ो नेता बन के घूमे, छोटो घर मेहनत करे। छोटा भाई बहुत मेहनती था लोगों। एक दिन और रात कुटी कूटे हल जोते नाया राम करे। ओ बड़ो जाए पंचायत में बस यूं ही बखत तमाम करे। ओ पलिंगा पैसे हुकुम बजावे ना जमीन पे पांव धरे। छोटो तल्ली नकाम में है फिर भी उलटी फटकार परे। दो भाई बड़ो तो नेता बन के घूमे, छोटो घरे मेहनत करे। और नेता जी जब बाहर से घूम के आए तो छोटे भैया ऊपर रुआब, खेती पकी कराए दो गोनो आएगी लगो हर बाम। जो हरे हरे गेहूं खेतन में भय, तो नेता जी ने छोटे भैया को गोनो कराए दो। जब लड़की नव दुल्हन बन के घर में आई तो बने कहा देखो कि जेठ तो बगुला बने घूमते हैं जे धानक रोपा कत कत करिया पारी है। गोने में आई तो डर के मारे ना बोली यार गोने में हम कर चुके हैं तो गांव वाले के जब गोने में उठ चलान लगी। लेकिन चुपका कॉल हो रहा है, एक महीना की चौथी छिकी है सो मारी भके मारे बेटरिया उठ चबन लगी। दैया ऐसे कैसे गुजारो है, हमारे जेठ तो कतई काम नहीं करते हैं और हमारे पिया काम कत कत करिया पारी है। हमें कहूँ अकेले में मिल जाते तो हम समझाए देती, अब्बू अकेले में काम मिल जाए तो एक मिनट की फुर्सत ना है। के विदा दुल्हनिया घर में छोटे कना की आई है, दो चार दिना पेड़ो देखो सैया पे पड़ी सवारी है। दो चार दिन ना ही बोली जेठ आज ना काम करें कल करें कल ना करें परों करें। लेकिन जेठ काम के आ रहे। एक दिन किसान दोपहर में हर ढील लाओ और हलकों दरवाजे पे धर के भीतर रोटी खाने गो। जो रोटी खा के निकलो सोई गोने वाली दुल्हन आंगन में रबड़िया के पहुंचा गए। ओ बुद्धू ने ठारे हो जा का समझान लगी। तुम काम करो बे मौज करें तेरी अकल कहां बोराई है। मेरी नाय ने भेगी साजे में अपनों ले बांट कराई है। एकदम छोटे ने भाग दो गो नेता के जग ढाई है। मेरो आदो आदो बांट कराए दो आज समझ में। गोने वाली दुल्हन ने बोली ये पिया मेरी बात सुनो, जेठ के कुर्ता में जरा भी धब्बा लग जाए तो रेनो सन्नाट घिसते घिसते परेशान, और तुम्हें छः छः महीना हो जाता हने भी कुटामने मत जा, दे में बदबू आने लगी अलग हो जा। हाय जुआनो भाजो, नेताजी के पास पौधा करने लगा। नेताजी लखनऊ की टिकट जब खरीदो जब हमारा बांट कर दो। नेताजी कहने लगे कह रहे चारिये दिन गोनो भाई भाई और भन्ना लोग। छोटा कहने लगा मैं कह रहा हूँ बांट कर दो। नेताजी कहने लगे अरे बेवकूफ, ये औरतें तो घर घर में फूट डालने वाली होती हैं, तू औरत के कहने पर बांट के लिए चलाया। छोटो कान लोग फोर जरी वाली बातें करो तो एक ही लठ में भट्टा सुमे लगी जाए। हम कहा तो बांट कर दे, तुम हमें नसीहत दे रहे हो। एकदम नेताजी कहने लगे तो मेरा कहा नहीं मानेगा। कहने लगा बिल्कुल नहीं, पैदा हुए जिस पेट से वो बिल्कुल छूट जाए, भाई और बाप में कुल नाता टूट जाए, हम तो औरत के गुलाम हैं बिल्कुल नहीं मलाल। परवाह एक यही एक रानी न रूठ जाए। एक बात बताओ, हमारा बांट मान लो पंचों की जरूरत है। छोटो कान लोग हम पंचन में विश्वास नहीं कराते। क्यों विश्वास जाकू नहीं कराते हैं? चार लठ को चौधरी और पांच लठ को पंच, जाके घर छह लठ हैं ताको अंचु न पंच। ताको तुम्हारी हमारी पंचायत करके बांट कर दो, जो तुम दे दियो सोई ले ली। भैया छोटा बिना पढ़ा लिखा था, मूर्ख मूर्ख था। थोटाल मेन्स वर्ट इंटेलिजेंट फर्स्ट एंड मिड वेस्ट। मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है कि मूर्ख बाद में सोच पाता है, विद्वान पहले सोच लेता है। बंधु बिल्कुल मूर्ख था। तो नेताजी कहने लगे सुन, हम तुझे बांट में जो देंगे तुझे वही लेना पड़ेगा, उदमबाजी की तुझे और तेरी लुगाई को मार के घर से बाहर कर देंगे। छोटू कान लगो हली देव बांट। तो अब नेताजी बांटो करने लगे, देखो कहा दे रहे भोले भैया। तो जो बारह बीघा ईख खड़ी ताकि फुलक रही तेरी भाई, जो सोलह बीघा गेहूं है तक बाल रही मेरी भाई।
बारह बीघा ईख की बारी तेरी गन्ना मेरो, सोलह बीघा गेहूं की बारी मेरी भूस तेरो, छोटे निकाय हाली तू नहीं जानत कैसे बांटो मेरो। एक भैंस में पीछे की लूंगो भूस दाना कुछ दूंगो नहीं, दोनिया को दूध हमाओ है तुम खातर करियो मुंह माई। भैंसिया की पिछाई हमारी अंगाई तुम्हारी चारो, तुम डारो नींद डारो, तुम दोनिया को दूध हम ले छोटे निकल याली। अब रहे बचे कपड़ा बाटे दिन भरी धरियो अपने माई, जब हो ये शाम मेरे घरे धरो योड़ेगी तेरी भौजाई। दिन में कपड़ा तुम धरो संजा को मेरे घर भेज दो तुम्हारी भाभी ओढ़े, जाओ हुई बांट बाजी दो गोने बाजी दो रहते बोले ओरी बांटो या बांटो या। एकदम छोटे ने भाज दो दुलहन को दीनों समझाई, बस समझ गई बेईमानी है जय नींद रात भर नहीं आई। बिटिया धीरे धीरे कहे बलम बुद्धू मिली है, छोरी धीरे धीरे कहे के सैया सिवरी मिली है, मोरी धीरे धीरे कहे बलम मोरू मिली है। जो बात सुनो गोने वाली दुल्हन, रात भर भाई नींद ना आई, रात आधी पे उठ बैठी और अपनी सैया की चारपाई के पास पहुंची, पिया जग जा मैं तुम्हें जगह भी कहीं जग जा। अब घर राटे लाए जवान कपड़ा मिले नहीं तो कहा तो जो धोती पहने तो सो यो ने घास उसी झकी डारी। पहले तो धीरे धीरे जगा रही, जब ना जगो एकदम चीखी साधन उठ क्यों क्यों जगा दिया। कान लगी जेठ ने बंटवारा नहीं करो बेईमानी करी, सो कछु नींद में हो रहा है बोलो पर जाए भैया को बंटवारो कन्यादान एक ही ना हो तो। औरत कान लगी नहीं दीदे मीन के मेरी बात सुनो, सोई बने आंखें ऐसे हाँ कैसे बांट। औरत कान लगी बारह बीघा ईख की बाली तुम्हें दे दई, गन्ना जेठन लेने गन्ना में तो रसई कढ़ाते। कान लगो री जय भूल हुई है जब भूलो सोलह बीघा गेहूं की, कान लगो गेहूं बारी तो हमने सोच के ले क्यों कि एक बिलस्त की बाली तो बाली है तो बाई दई लंबो बारो सब हम ही ले लो। औरत कान लगी बनाए गधातु हो गेहूं तो बाली में ही निकट तो। और भैंसिया की पिछाई ले रही जेठन अंगाई ले रही तुमने नींद दाते दाते तुम मर जाओ संजा को राण जेठानी दूध ले जाए। छोटो कान लगो जब तुमने सोची ना तो अंगाई ले चो लई तुमने, जब कान लगो हम तो अंगाई जा सो ले लई। दिवाली आए घंटियां बाने तेलन तेल सिंगन ते लगे कितनी अच्छी लगे भैंस। और कान लगी बनाए बुद्धू और भैंस तो दूध को राखी जाते, और दिन में कपड़ा हम तुम धरो संजा को जेठो जेठानी ओढ़ के परे हम तुम दोनों बैठ के तपस्या करो। नेताजी का छोटा भाई बोला अब कुछ भी हो जाए हम दोबारा नेताजी से नहीं कहूंगा क्योंकि बड़े खरे सुभाए के कह रहे तो तुझे तेरी लुगाई को मार के घर से बाहर कर देंगे। औरत कहने लगी सैया मैं तुम्हारी पहिया पड़ रही हूँ, हम तुम्हें अकेले बताएं तुम तापे चन जा समझिए बाबू के जो बने पक्के सेकंड हैंड खोपड़ी के बताओ अकेले हम तुम्हें एक ऐसी अकेले बताएं तुम्हें कब हूँ ना परे और बांट हो जाए सोई बने कलाई पकड़ ली। बताओ मेरी रानी को कौन सी अकल है। तो चतुर औरत अपने बुद्धू बालों को समझाने लगी देखो औरत की खोपड़ी में इतना मसाला होना चाहिए तब गृहस्थी चल सकती है। क्या बोली सुनो कर चार मेहनती काट ले गेहूं की जड़ कटबाना, उखारी छोटी छोटी है और ऊपर की तुम्हारी है सो अभी तक कपटन लगो देखे गन्ना कांटे हो जाए, और कच्चे गेहूं ठाड़े नीचे वालों हिस्सा तुम्हारे से जड़ काटन लगो देखे उनको खलिहान कांटे लग जाए। कर चार मेहनती काट ले गेहूं की जड़ कटबाना, कपड़ा भी दिन में तुम्हारे संजा को भेजे के धरे आना, जो कपड़ा मिले सो भीना न दो भीजे भीना धरे आओ देखे नकटियो नकटा का उड़े ले। मारो लठिया तुम मोह तोड़ो भैंस की खातर कर आनो, जो हमारी जेठानी भैंसिया दोहे को बैठे तो तुम मोह में रबड़े आके लाठी दे जो दूध दही फटा लेती चली जाए। मारो लठिया तुम मोह तोड़ो भैंस की खातर कर आना, सोई भाव काम कट रही है ईख पे गेहूं पे न मरवाना। सबेर भाव जई हो लगो चार आदमी करते उखारी में ऊपर कपटो आठ गंदे गेहूं में जड़ काटो जड़। नेताजी कहने लगे क्यों रे कमीना कहते क्यों काट रहा है। छोटो कान लगो मैं तेरी बारी से धकाऊ ना लगा भजदाव जवान ने हार में तक घरे को और भौजी ले के दोहनिया भैंस के पेट के नीचे बैठी है दोहबे को इनने कहा करो ओ कपड़ा भिजा दो पानी में ले लखा भैंस पौआ राना,
जब भाव जड़ा को लठिया को भौजी को करे जो तराना। ऐसी लठिया दही भैंसिया की खोपड़ी में तो भौजी और दोहनिया भैंस के पेट के नीचे बिनोरे से बिंद फिर दूध डरो कहू भौजाई तब बड़ो बहुत मन खिसियाना। जब बड़ो समझ कोई चतुर लगो फिर बात दोबारा करवाना। लड़की और लड़का की जब शादी हो तो मनु महाराज ने लिखा है कि गुण कर्म स्वभाव को देकर शादी हो। अगर लड़का इंटर है तो पत्नी हाई स्कूल हो, लड़का एमए है पत्नी बीए फाइनल तो होनी चाहिए ताकि उन एक दूसरे के विचार मिल सके। और जहां भैंसा बदिया को हरोहेजा तो बघर को सत्यानाश। अब वो तो पढ़ा लिखा है, वो पढ़ी लिखी नहीं, भला दोनों को विचार कैसे मिले। देखो बंधुओं, आप बड़ा आश्चर्य करते होंगे कि शादी होने से पहले देख लिया जाए लड़की की योग्यता क्या है। और जहां लड़की बिना पढ़ी घर में आई समझ लो मामला गड़बड़ है, अगर लड़का ग्रेजुएट है तो। कैसे? सुनो, एक जने ने सुनो मित्र बर बीए की शिक्षा पाई लई और इंग्लिश में चकनाचूर भाव और हिंदी बिल्कुल त्याग दई। एक लड़के ने बीए किया तो इंग्लिश टू इंग्लिश में बात करने लगा। कैसे? ए माँ को मदर, बहन को सिस्टर, नारी को वाइफ जता दई। अब गिट पिट बातें करते शैतानी की छाई आई। ने बीए किया तो इंग्लिश में बात करने लगा, माँ से कहने लगा मदर, बहन से कहने लगा सिस्टर, और बाप बिना पढ़ो लिखो जाए घास लेने खुरपिया लाए, और वो बोलो फादर सो डुकड़ा के हाथ खुरपिया छूट पड़ी, लोड़ा के हाथ को फाड़ डाल रही। घर में अम्मा कर रही काम और लड़का भीतर पहुंचो कहने लगा मदर सो डुकड़िया कोठला में मुड़ देकर रोने लगी, आज तो मुझे कहा तो मार डाल रही। और डुकड़ा गांव में कहां लगो लोगों गजब हुई। अब हमारी तो 14 साल में बेकार चली गई, पूरी कमाई बेकार चली गई, हमारे लला तो पागल हुई हो लोगों ने कि कैसो हाँ बात है कहा तो मार डा रहे, हम तो कहा तो फाट डा रहे। गांव के लोग कहने लगे तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे लड़के ने बीए किया है इसलिए तुम उसकी शादी कर दो। शादी करने तो दिमाग से हाँ सो पहले तो दहेज की तमन्ना थी लेकिन जल्दी की शादी थी कि जल्दी शादी हो जाए, लला को दिमाग सही हो जाए, लला को दिमाग सही हो जाए, लेकिन तो बातों ने समझ में आती। तो चार जने ने सुनो मित्र बर लला की शादी करवा। अब देव योग से सुनो यार बिन पढ़ी बहू घर में आई। लड़का बीए और बहुटिया सुन में, एक में भी सुनी है आगे पीछे दाएं बाएं सामने भी सुनी है क्या, लेकिन थी वो रूपवती लड़की प्रतिकेश, और जब ब्यूटीफुल लड़की को पाकर के खुश हो गया। लेकिन थी वो रूपवती लख बाबू जी गए हर साई, अब भारी प्रेम हतो दोनों में कहां तक कहे नहीं। बड़ो प्रेम रहे जे तक मई फिरोजा जी लौट के आए बारी रहे तो। एक दिन बाबू को प्यास लगी बीबी से बोले चिल्लाई, और वाटर आटर ला वाटर बिन रहो में घबराई। पठमन सकी सिल बटना बाबूजी कहने सोची फिरोजा बात तैयार नहीं बैठे सो सिलबटो ना लाए फिर। बाबूजी ने जो सिलबटना देखा नॉनसेंस है इंग्लिश की, बाबूजी ने कहा नॉनसेंस, अब नॉनसेंस को हंसाई तब ना मैं बोसाई। जो नमक जी सोचने लगे आई एम वेरी वेरी, ये तो बिना पढ़ी लिखी है ओ पगली हतिया। कान लगी तो पैर सिलबटो ना मंगा था को लोटा और घड़ा में तो पानी लाओ, ठंडो पानी लाए पिया के सामने पहुंची छम 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 छम। अब ठंडो जल लेकर बाबू खुशी भाए मन में और सारी मुसीबत भूल कान लगे इंग्लिश में। जो पांगा बोले वाह वाह थैंक यू नार, बाबूजी बोले थैंक यू वेरी मच पोस्टी चतर बने मराए। आई एम वेरी वेरी, ये तो बिना पढ़ी लिखी है ओ पगली हतिया। कान लगी तो पैर सिलबटो ना मंगा था को लोटा और घड़ा में तो पानी लाओ, ठंडो पानी लाए पिया के सामने पहुंची छम 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 छम। अब ठंडो जल लेकर बाबू खुशी भाए मन में
और सारी मुसीबत भूल कान लगे इंग्लिश में जो पांगा बोले वाह वाह थैंक यू अनार बाबूजी बोले थैंक यू वेरी मच पोस्टी चतर बने मराए फेंकने को बाबू लोटा फेंको बने आज के महात्मा कैसे हैं आपको जरा हम बता दें। एक गांव में तीन दोस्त रहते थे और तीनों कॉलेज में पढ़ते थे, एक मुसलमान, एक ईसाई और एक हिंदू। तो हिंदुओं में कौन था? अहीर। एक ही स्कूल में तीनों पढ़ते थे और धीरे धीरे इनको फिल्म का चस्का लग गया, तो अब पढ़ाई अढ़ाई तो ऐसी जो फीस को पैसा मिले वो फिल्म में निकाल दें। अब तो घर वालों ने इन्हें पैसा देना बंद कर दिया, तो बड़े परेशान हुए, राजनीति करने लगे, साइकिलें छीनने लगे, लोगों की मारपीट करने लगे, तो पुलिस इनकी तलाश करने लगी। अब तीनों चौराहे पर इकट्ठे हुए तो अहीर कहने लगा, भैया आज तो घर वालों ने बड़ा परेशान किया। ईसाई कहने लगा, यार घर वाले हमारे भी नाराज हैं। मुसलमान कहने लगा, यार मुसीबत तो हमारे ऊपर भी है। अहीर कहने लगा, पुलिस भी पीछा कर रही है हमारा आपका तीनों का। हाँ हाँ यार एक अकल बताएं का, पुलिस से पीछो ना करो गुजरो अच्छी तरह होने लगे, चलो महात्मा हो जाओ। मुसलमान कान लगो, हम महात्मा ना हुए भी तो रात आदि पे हनाव करते हैं और ठंड में हम पे तो हनाव ना ही है। अहीर कान लगो, तुम बनाए सेकंड हैंड खोपड़ी को सो महात्मा ही ना बनो, बे बनो सन्यासी करो लिया बद्ध कैसे कबाऊ ना हना सो हम रोटी। सो तीनों ने कपड़े रंग लिए और सो हम रोटी सो हम रोटी। और जब जानते ही हो कि पछा में साधुन की बड़ी इज्जत है, सो हम वाले कोई आए जाए रोटी तो है ही। छह महीना ना गुजरे तीनों के सुअर जैसी गर्दन आ गई, लेकिन सत्य यथार्थ आभास नहीं हुआ इनको, सिर्फ ढोंग था। क्या हुआ? चलते चलते जैसे ये गांव है ना उस तरफ, जैसे हमारे प्रधान साहब रघुराज सिंह जी हैं उनके दरवाजे पर तीनों महात्मा आए, तो प्रधान साहब बोले कि जरा भोजन कर लो। तीनों ने भोजन करे। एक कान लगे, भैया जाने भोजन तो कराए दे लेकिन दूध ना दो। कान लगे, तो कोई बात नहीं चलाऊंगा विजय मास्टर कहीं चले चलो उनकी भैंसिया दूध दे तो काम हो जाए। तीनों वहां से उठे, जब वहां पहुंचे तो साहब निकले, उन्होंने देखा तो महात्माओं को बड़ा आसन दिया और कहा, कहो महाराज कुछ भूखे प्यासे? तो भोजन तो हाल ही करके गए थे। सो अहीर साहब कान लगे, ज्यादा भूख तो नहीं है लेकिन आज तबीयत ऐसी चाहती है कि तुम्हारे यहाँ भैंस दूध दे रही हो तो जरा दूध दे दो। कहने लगे, दूध है तो चावल और दे दो तो जरा खीर बनाए। सो चावल दे दे, खीर बनाई। खीर कितनी बनाई? ऐसी कि भूख में एक आदमी खा ले, क्योंकि वो तो लोग खाई के आए थे, थोड़ा का टेस्ट ले लेंगे। लेकिन मुसलमान सोचन लगो, बहन चो ऐसी कथी जुगाड़ हो चाहिए जब खीर हम ही खाएं। कहा, भैया ऐसो करो सवेरे जब चलेंगे तो नाश्ता करके चलेंगे, जब पतीली बांध के टांग दो। तीनों ने टांग दी, लेकिन दिमाग में झटका लगो सुबह मुसलमान बोलो, ए अहीर साहब, ए ईसाई, हाँ जब बताओ सवेरे खीर खाए को। अहीर कान लगो, सब ने दूध मांगो सब ने खीर बनाई तीनों जने खाए ना। मुसलमान कान लगो, सवेरे खीर वो खाए जो सबसे बढ़िया बर्रा है सोई खीर खाए। आहा तीनों पर रहे और घर राटे तीनों लेन लगे सो एक को ना। अब जा सोचे सपनों का बनाए सपनों का बनाए। मुसलमान ने सोची के लाओ सपनों ही बना ले, उठा माने बे कपड़े तो उतार दिए और नए कपड़े पहन के सो गया। ईसाई उठा माने सेंट की शीशी निकाली और दाढ़ी थी लंबी सो अपनी दाढ़ी में सेंट की शीशी लगाई, पूरे शरीर में बुआ पर रहो सपनों बनाए, दोनों सोए गए। अहीर उठो सो माने पतीली उठाई और दोनों हाथन से लग गो, पतीली साफ करके बैसी बांध के बाने लटकाए दी। पर रहो जवान, सवेरे मुसलमान जगे सो ईसाई थे कही, कहो कहो सपना क्या देखा है?
मुसलमान कहने लगा, मेरे जैसा सपना तुमने भी नहीं देखा होगा। क्यों? आपको नहीं पता कि अल्लाह के फरिश्ते हमें ले गए और उन्होंने कहा ये कपड़े क्यों रखे तुमने, उतारो ये कपड़े, ये नए कपड़े पहन दो। सो देखो वो कपड़े नहीं है, दूसरे कपड़े हमें पहना दिए। ईसाई कहने लगा हमने तेरे से अच्छा सपना देखा, क्या कि पहुंचे साथ में आसमान पर देश आया ऐसा ख्वाब, पहुंचे साथ में आसमान पर देखा ऐसा ख्वाब और ईसा मसीह के संग भोजन करके लौटे। अभी जनाब बड़े बड़े सुंदर सेंट लगाई गई, तुम खुशबू नहीं आ रही है? मुसलमान कान लोगों में तो नाक फटी जाती पहले ही से। अरे यार इस आहिर को भी जगा लो, अब आहिर को जगाओ तो जान बड़ी मुश्किल में, तो जगो। कहने लगे कहो आहिर की मति 12 बजे शुद्ध होती है, तुम अभी सो रहे हो, खीर नहीं खाओगे? आहिर कान लोगो साहब तुम दोनों को जो कुछ करते सो कत्तर आते लेकिन मुझे जगाते ना, क्यों पूरी रात हुई है हमारी तो हड्डी को सरमा बनी हो। अरे क्या हुआ? एकदम जवाब दिया, तुम सब तो सोए गए, आधी रात के समय पे कूद पड़ो महावीर, जन घूसा दीनो मार के कई जल्दी खाए ले। आधी रात के समय टेढ़ी टांग वाला हनुमान कूदा और एक घूसा मारो कही के खीर खा। सो हम डर के मारे प्राण कपिए, सो हमने दो और खाओ बान दूसरो घूसा आया सो फिर करो, सो डर के मारे हमने पतीली साफ करके धर दे। एकदम से मुसलमान कहने लगा उल्लू का पट्टा, जब तेरा टेढ़ी टांग वाला हनुमान आया तो तूने हमको क्यों नहीं बताया? तो वो कहने लगे कि तू 7:30 में आसमान पे ईसा मसीह के संग बैठो, तू 7 तले में घुसो तो बता दे कि तेरी ऐसी तैसी को। तो लोगो आजकल के महात्मा ऐसे हैं, तो पतिव्रता वैसी होती है, तुम तो धर्म को पाल करियो आनो रहे, लेकिन आदि मत पतिव्रता बनो धीरे धीरे। एक पड़ोसन रहे पड़ोसन सुधान कूट, दूसरे पड़ोसन बैठी वो बगिया और बकई पानी पानी कई सब धनुकता ऊपर गए, अने ऊपर ही धन को छोड़ दियो। पर बेता के ताऊ जब मूसल पानी भर कर ले के धन कोई पड़ोसन जो मूसल से लटकान लगी, पतिव्रताओं के अंदर वो शक्ति होती जे तो मूसल ही है तो वो तीनों लोगों को लटका सकती है ऊपर। के बहना पतिव्रता का हो तो है, एकदम वो कान लगी तू तो बनाई है नकटी है, अरे पति की सेवा कान लगी है, हम तो कबों को उनके घूस लगा दी। बहना आज तो हम पतिव्रता बने, हाय तुमने ऊपर मूसल लटकाए दो मैं तो मैं ही पिछेला काय को रह जाऊं। और एकदम से घर में से उठ के चल दई, पिया सोए रहो सो चदरा झटको का कर रहे जल्दी हलू ले जा। सो बेचारे उठ के बैठ गए और कान लगी सुनो ज्यादा मत चलाइयो धूप हो जाए सोई ढील लइयो, देखो तो तुम्हारा चोला करिया परिया हो ज्यादा धूप में हलू मत चलाओ करो। चंदे हलू लेके 10 बजे बेचारे ढील लाए बेद्वारा झटको का कर रहे हो जल्दी हलू ले जा। सो बेचारे उठ के बैठ गए और कान लगी सुनो ज्यादा मत चलाइयो धूप हो जाए सोई ढील लइयो, देखो तो तुम्हारा चोला करिया परिया हो ज्यादा धूप में हलू मत चलाओ करो। चंदे हलू लेके 10 बजे बेचारे ढील लाए बेद्वारे देख रही थी तो जो उनने देखो कि हलू ढील लाए सोई भज के गई हाथ में तो बैल ले ले बैल बांध दे बांटी भर के धड़ ले हनाए ले। वो सोचन लगो चक्कर कहा है ये तो मांगी तो पानी ना ही देती थी, आज तो जो पानी भर के धद्दा हो हनान लगे और वे बैठ गए हुए सो पीठ रगड़न लगी सो पीछे लू देख जा तो घूसा न धद्दे बे मेलू पीठ पे जाता है खूब हनवाओ हनवाए की कही सुनो धोती यही धद्दे तुम ना धोयो धोती हम धोए और तुम घरे चलो सीसा कंगा धरो हुई तेल धरो जो बाल काढ़ लीजो जन कबते तेल उन्होंने डारो कितने बुरे लगता हो। वे तो भीतर चले गए उनने धोती धोई सूकन डाल दई अंदर आई तो देखो पिया डर के मारे कंगा खेचत हुए बालन में कहो फिर न चटको हो जाए। रोटी करके थाली परस दई एक कटोरी में घेव और धद्दा ले अब तुम्हें पौआ भर घेव रोज देव करें देखो कैसे हाड़ सूखी आए। मन ही मन में सोचा तो चक्कर कहाँ है
ये तो हवा ही बदली हुई जो घर की पंख कत्ती जाती हैं पसती जाती हैं कहो कहूँ हंसके कहती तुम्हारे किसो कहूँ कहूँ हम तुम पे बड़ी नाराज हो जाती थी अब हम तुम पे कहूँ ना नाराज हो। सोचे तो आज भगवान की कहा कृपा हो गई है और एकदम से जब भोजन कर चुको पिया तब तो कहने लगी ऐसो करियो आधी रोटी छोड़ दियो हम तुम्हारी जूठी रोटी खाएं। रोटी यो छोड़ दई रोटी खा के कही सुनो द्वारे मत परियो बुरी लपट लगत छप्पर में खटिया डाल ली खटिया उ डाल ली अब पाँच दबान लगी धीरे धीरे। पति सोचा तो है कि ये तो आज दुनिया ही बदल गई और पाँच दबाता ही दबाते बोली सुनो सोई मत जाइयो हम पिसनों कन्न जाती जब मूसल चरान लगे तब पानी मांगियो। पैर छोड़ दे ओखली में अनाज डाल ले ओ, और धनकोटा लेके चलान लगी। पति सोचन लगो पानी बताओ के मांगो सुला मांग लेवे। पति बोले पानी सोई उनने मूसल एकदम ऊपर बढ़ाया बही छोड़ के देखन लगी सो नाक में बैठो सोई बुई मूसल उठाए के बही पिया दिस कड़ी खाए तुम निको सत्तु नाए परोसिन क्यों मूसल बही लटाओ तूने तुम्हें डारी। तो पति वेसा नहीं हो धीरे धीरे कहू ना कहू हिसाब के में चली जाए धीरे धीरे बियो है बोलो बन बिहारी लाल की।